यहाँ पे आप कैसे आ सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं, यहाँ पे आने का क्या तरीका है, क्या कनेक्टिविटी है, किस तरीके से यहाँ पे आ सकते हैं, तो आइए मेरे साथ घूमिए यहाँ पे। एक बार यहाँ से नज़ारा देखिए रोड के दोनों तरफ, एक तरफ प्रशांत हिंद महासागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक इतना शांत है तो दूसरा देखिए कितना प्रचंड रूप में है अपने, कितनी ऊंची ऊंची इसमें लहरें आ रही हैं, और दूसरी तरफ ये है जो बिल्कुल शांत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये हिंद महासागर है, और उधर आप देख रहे होंगे उधर वाली साइड में बिल्कुल एक शांत महासागर है जिसका नाम है बंगाल की खाड़ी। तो धनुषकोटी में मेन जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो यही चीज़ है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का संगम, और उधर जाकर के वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है आज के टाइम में, बट आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे आपको आज भी राम सेतु के कुछ अवशिष्ट मिलेंगे, कुछ पत्थर हैं वहाँ पे जो आज भी माना जाता है कि राम सेतु जो बनाया गया था उसके पत्थर आज भी वहाँ पे मौजूद हैं। ये देखिए एक बार व्यू आप यहाँ का, और अगर बात की जाए यहाँ पे आने की तो यहाँ पे आप रामेश्वर फोटो है करके आ सकते हैं, ऑटो वाला बर्ड ग्राउंड 600 रुपीज़ चार्ज करता है मिनिमम, बाकी आपसे वो यानी कि तो 800 भी ले सकता है, 900 भी ले सकता है, बट आप 900 मिनिमम 600 रुपीज़ यहाँ पे प्राइस है, इससे कोई ऑटो वाला यहाँ पे नहीं है। और अब ये देखिए आपको ये है इंडिया का लास्ट लैंड, इसके आगे इंडिया रोड कनेक्टिविटी नहीं है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे अपने इंडिया का चिन्ह लगा हुआ है अशोक की लाट, जैसा कि आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा, बाकी आपको मैं एक बार पास से भी दिखाऊंगा। और यहाँ से जो श्रीलंका बाई सी वो लगभग 18 किलोमीटर से ज़्यादा केवल 18 किलोमीटर, बाई समुद्र अगर आप जाएंगे तो केवल 18 किलोमीटर डिस्टेंस है, उसके आगे श्रीलंका लगता है, और थोड़ा सा आगे जाके यहाँ से वो आप देख रहे होंगे आपको एक लैंड नज़र आ रहा होगा जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर है श्रीलंका और इंडिया का, इस उसके आगे सब श्रीलंका लगता है, और इधर को सारा का सारा सब टोटल इंडिया। एक बार अब यहाँ का छोटा सा बीच कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, एक बार देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है, और यहाँ पानी देखिए आप कितना साफ है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ब्लू पानी, एंड आपको ये दिखेगा पूरा ग्रीन पानी देखिए, और यहाँ पे देखिए कितना नीट एंड क्लीन पानी है, अंदर तक नज़र आ रहा है पानी के। ये देखिए द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया पे स्तंभ अशोक की लाट, एक बार यहाँ से आपको पूरा व्यू दिखा दूँ। एक बार यहाँ से नज़ारा देखिए रोड के दोनों तरफ, एक तरफ प्रशांत हिंद महासागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक इतना शांत है तो दूसरा देखिए कितना प्रचंड रूप में है अपने, कितनी ऊंची ऊंची इसमें लहरें आ रही हैं, और दूसरी तरफ ये है जो बिल्कुल शांत है। एक बार व्यू देखिए लहरों का आते हुए, कितना औसम नज़ारा है ये देखिए एक बार, आप देख सकते हैं पूरा कैमरे में आपको आई थिंक पूरा नज़र आ रहा होगा। मतलब मैंने जुहू चौपाटी में पीस देखा था, बट इतनी विशाल लहर इतने, और मज़ा नहीं था जो यहाँ पे आ रहा है देखिए, और ना ऐसे वहाँ पे व्यूज़ थे जो यहाँ पे आपको व्यूज़ दिख रहे होंगे। वीडियो स्टार्ट है, अरे
देती है दोनों तरफ। समंदर कितना जबरदस्त नज़ारा है। और जैसा कि आप कैमरे में देख पा रहे होंगे, ये है बहुत पुरानी एक चर्च। जब यहाँ पे 1964 में सुनामी आई थी, तब यहाँ का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये सब कुछ तबाह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था उस टाइम पे। तो उसके अवशिष्ट आज भी हैं, देखिए आप, मतलब वैसी का वैसी सब कुछ पड़ा है। आज इतना टाइम हो गया उसको, फिर भी वैसी का वैसी है सब कुछ। ये चर्च कहते हैं लोग यहाँ पे, ये सब पूरा चर्च का एरिया है। आगे स्टेशन भी है रेलवे स्टेशन, पहले यहाँ पे कनेक्टिविटी थी ट्रेन की, बट अब नहीं है। आपको मैं वो भी दिखाऊंगा, वो भी सब डिस्ट्रॉय हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब आज भी कितनी मतलब बुरी बात है कि ये आज तक डेवलप दोबारा कभी नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ पे वेदर का और कब क्या हो जाए यहाँ पे कुछ नहीं पता। देखिए एक बार आप। और ये था 1964 का धनुषकोटी का रेलवे स्टेशन, जैसा आप देख पा रहे हैं। वही 1964 में जो साइक्लोन सुनामी आई थी, उसमें ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था। और ये कुछ इस तरह का यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे। आई थिंक ये शायद ट्रैक होगा उस टाइम का, जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये देखिए, ये जहाँ तक है रेलवे पटरी ही होंगी उस टाइम की, जो कि अब पूरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं। बस कुछ ही देखने को यहाँ पे अवशिष्ट मिलते हैं। ये देखिए, ये था यहाँ का रेलवे स्टेशन, जो आज कुछ इस तरह का है। तो गाइस, बस आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। एक जल्दी मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक अगर आपको मेरा ये धनुषकोटी का द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया का ब्लॉग पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, सबको टाटा। थैंक यू।